हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में जो लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर का टॉपिक है गॉट एंड पुली प्रॉब्लम। इस चैप्टर में आई एम अरुण रैना फ्रॉम स्टडी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक हॉर्स पुल करता है इसको कार्ट। तो जैसे यहाँ पे देखो फिगर में ये बना है हॉर्स। तो देखिए यहाँ पे ये हॉर्स क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड से एज ए रिएक्शन आगे की तरफ फोर्स लग रही है जो इसको मूव करने में हेल्प करती है। तो कौन सी फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो इसको हम पूरा प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ पे ये है कार्ट और यह है हॉर्स। तो हॉर्स आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हॉर्स क्या कर रहा है, अपने ये हॉर्स तो अपने पाँव से पीछे की तरफ पुल कर रहा है किसको, ग्राउंड को। लेट हम मान लिए थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, पीछे पुल करने करते टाइम। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ एज ए ये फोर्स आ गई और ये एज ए रिएक्शन फोर्स। तो अब इसको हम आगे की तरफ रिजॉल्व कर लेते हैं इनको, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये आर है, ये एंगल थीटा है। तो आगे की तरफ इसको कौन सा कंपोनेंट, आर कॉस थीटा आगे की तरफ पुल करेगा। ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट, रिजॉल्व कर लिया आर साइन थीटा। तो ये जो इसके व्हील्स हैं ये इसको क्या पीछे की तरफ खींचेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएंगे, एफ हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रख लेते हैं। तो आगे की तरफ इसको पुल कौन करता है, आर कॉस थीटा का। अगर आर कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो ये आगे की तरफ पुश हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका वेट, इसका वेट एक तो कार्ट का वेट भी होगा नीचे की तरफ, वेट वेट इसका डब्ल्यू वन रखें तो आर यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, कंपोनेंट्स। इसी तरह से अगर हम वेट डब्ल्यू टू किसका रखते हैं, हॉर्स का, तो इसका आर टू आ जाएगा। तो ये जो वेट होता है, वेट किसका, हॉर्स का, ये बराबर होता है आर साइन थीटा प्लस इसका कंपोनेंट। ओके, वो वेट जो उठाना पड़ता है किसको, हॉर्स को, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, द हॉर्स पुल्स द कार्ट बाई पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड विद द फीट विद द फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ये फिगर में देखो ये एंगल थीटा दिखाया हुआ है। नेक्स्ट ग्राउंड इन टर्न, ग्राउंड जो होगा इन टर्न, ये फोर्स ऑफ एक्शन थी नीचे की तरफ। तो ग्राउंड इन टर्न क्या लगाएगा इसके ऊपर, फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाएगा आर। द ग्राउंड इन टर्न एग्जर्ट्स ए फोर्स आर ऑन द हॉर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स एफ। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन आर को रिजॉल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एज शोन इन द फिगर, ये आगे की तरफ। तो रिएक्शन को आर कॉस थीटा और ऊपर वाला आर साइन थीटा। तो नेक्स्ट आ जाएगा कंपोनेंट आर कॉस थीटा, जिसको हम टेंशन कहेंगे, टी से डिनोट करेंगे, टेंस टू मूव द कार्ट टू द राइट। तो कौन से कंपोनेंट की वजह से ये मूव करता है, आर कॉस थीटा। और आर साइन थीटा क्या करता है, बैलेंस करता है वेट को। ओके, और आर कॉस थीटा अगर फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो मूवमेंट हो जाएगी। ओके, व्हेन द वेदर द कार्ट मूव्स आर नॉट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्मॉल एफ से दिखाई हुई है, इफ आर कॉस थीटा, अगर आर कॉस थीटा ये जो कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो कार्ट विल मूव टू द राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट नोट द डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन क्या है, वेट ऑफ द कार्ट। ये डब्ल्यू वन हमने क्या ले लिया, वेट ऑफ द कार्ट। और आर वन क्या ले लिया,
इसका रिएक्शन, वेट ऑफ द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन आर वन ऑफ द ग्राउंड ऑन द कार्ट। तो वेट कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा और ग्राउंड कार्ट को ऊपर की तरफ धकेलेगी आर वन से। तो ये वेट ऑफ द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या है, ये W2 है, इसका रिएक्शन होगा R2, तो वेट ऑफ द जो हॉर्स है इसको बैलेंस करेगा R2 प्लस R साइन थीटा, R2 प्लस R साइन थीटा। तो वेट जो कार्ट इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हॉर्स को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, कितना, R2 और R2 प्लस R साइन थीटा। सिमिलरली वेट W2 ऑफ द हॉर्स इज बैलेंस्ड बाई R2 plus R sin theta, where R2 is the reaction of the ground on the horse. Next, now MCQ on it. When a horse pulls a cart, which force help the horse to move forward? जब horse pull करता है cart को, तो कौन सी force help करती है उसको move करने में? Reaction force exerted by the ground on the horse, the action force exerted by the horse on the ground. First तो reaction force है. तो reaction force कौन है? Reaction कौन exert करता है? ग्राउंड ऑन द हॉर्स, इसका आंसर आ जाएगा द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। ओके, दिस इज द आंसर। वेट, वेट को ये हमने क्या पढ़ा कि हॉर्स को पुल कौन सा करता है, आर कॉस थीटा, रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द, और वेट को कौन बैलेंस करता है, आर टू प्लस आर साइन थीटा। ओके, राइट, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।